तीन दिवसीय खेल कूद एवं कला सांस्कृतिक द्वारा नाम कार्यक्रम के इन्हें नाम फाइनल समारोह रही फाइनल थोड़ा देर के बाद नाम पूरा रिजल्ट पढ़ो। लेकिन उससे पहले इन दो विचार नहीं, दो विषय नहीं। पहला विषय तो यह रहता कि पुराण साधना समिति के रजिस्ट्रेशन के पीछे उद्देश्य न रहता, और जब समिति के रजिस्ट्रेशन बनने के बाद नामांकन समाज तक कई आला समिति के रजिस्ट्रेशन में वाद विवाद चर्चा रहना लग गया कि ये रजिस्ट्रेशन जो है जाली को और अवलंबी एम मन राचा कि समिति के जो रजिस्ट्रेशन झारखंड सरकार द्वारा मंजूरी दी और ये रजिस्ट्रेशन ये उद्देश्य इंद्रई को समाज के अंदर लाभ करो, ये अंदर फायदा रही चाहे सामाजिक फायदा चाहे आर्थिक फायदा, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती रचा और हम इंतजार न रकम कभी न कभी मौका हकरो तो इसी में एदम संयोग न बन जा कि वर्तमान सरकार हमें 20 आदिवासी दिवस सुनू जिला में 20 लाख रुपया आदिवासी दिवस मनवा के लिए झारखंड सरकार चिट्ठी रहता जिला प्रशासन असमन के मैं लग गया कि भाई अधिक बाद कर्मा पर्व बना लगी हो सके झारखंड सरकार कर्मा पर्व के नाम है कुछ ना कुछ चीओ दिन एम इंतजार आना दिन लग कम और सरकार करते हैं उनका घोषणा मंच बच्चा कि 7 तारीख भीतरे गुटी जो भी सामाजिक रजिस्ट्रेशन सस्ता इधर अगर जिन कर्मा उत्सव नन्ना चादर तो सरकार निवन सहयोग न हो पेपर के माध्यम नु व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम नु एम थोड़ा देश से पता चल रहा जैसा ही पता चल रहा तुरंत एम पुतभुजो दिन उड़ान करना समिति की पूरा टीमर इन लिख कर रच कर कि अन्य में सरकार तथा बचकी लाइफ वाला हम समझ रहा हूँ जो इन वाला मन समझ रहा उसी दिन हम लोग मन में ठान लिए थे कि हम लोग इस कार्यक्रम इस मौका को हम लोग नहीं चुकेंगे और हम लोग कुछ लोगों के बीच में ही हम लोग बैठ के चर्चा किए। चर्चा करने पर तुरंत एक दिन में ही हम लोग समिति के लेटर पेड में तिथि तय कर हम लोगों ने इस कार्यक्रम को तैयार किया और तुरंत बजट बना के हम लोगों ने जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार तक हम लोग भेजने के लिए प्रयास किए। हम लोग का बजट 9.5 लाख का बजट हम लोग राज्य सरकार को भेजे हैं। समय बहुत कम था, हम लोग होगा कि नहीं होगा सरकार देगी कि नहीं देगी क्योंकि 7 तारीख तक ही जमा कर जिला में 7 तारीख ही जमा करने का तिथि तय था। तुरंत तुरंत हम लोग रात दिन एक करके बजट बनाए और जिला में हम लोग जमा किए लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब हम लोग को नहीं मिला था। तो हम लोगों ने कल जिला प्रशासन उपायुक्त के फोन के माध्यम से हम लोगों ने बात किए। 2 दिन फुटबॉल का कार्यक्रम में लोग व्यस्त था और सबसे ज्यादा चिंता तो हमें सता रही थी कि यह कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा क्योंकि फोन के माध्यम से पूरे कोल्हान के जो उड़ाव समाज के लोग हैं सभी लोगों के पास हम लोगों ने सूचित खबर हम लोगों ने भेजने का काम किया था। कल शाम तक पूरी टीम बड़ी परेशानी में हम लोग थे जिसके कारण फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में हम जा भी नहीं पाए, अलग से टेंशन बना हुआ था।
उसके बाद शाम को 8 बजे मेरा उपायुक्त महोदय से बात हुआ। बात होने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोगों ने भेज दिया है राशि, झारखंड सरकार से राशि हमने मांगा है और जैसा ही राशि आएगी वो जो समिति के अकाउंट में, समिति के बैंक खाते में जिला परिषद देने का काम करेगी। आप लोग कार्यक्रम को कीजिए, ये आश्वासन जिला परिषद के द्वारा हम लोग को मिला और तुरंत हमको लगता है कि आज सुबह ये पंडाल बनी है, आज सुबह राशन आया है और आज सुबह एक पूरा सेट अगर लगा है तो आज के दिन ही लगा है। समिति के कई लोगों ने कड़ी मेहनत करके, कुछ लोग तो अपना गांव में तैयारी भी कर रही थी, कर रहे थे लोग कि हमें भाग लेना है और प्राइज का हकदार हमें बनना है, तो एक तो गांव में तैयारी भी चल रही थी, एक मंच की तैयारी चल रही थी। हम लोग का समय तो 10 बजे से था लेकिन जैसा देखिए हम लोग की भाई 10 तक तो होगा नहीं, तो करते 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 हम लोग ये प्रयास किया कि 1 बजे हर हाल में हम लोग उसको चालू कर देंगे और हम लोग 1 बजे हम लोग स्टार्ट कर दिए। कुछ ही लोग था, कुछ टीम पहुंची भी थी, 5-6 टीमें पहुंची थी और हम लोग इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया और जैसा जैसा समय बीतता भैया किया हमको लगता कि हम लोग सोच रहे थे कि 15-17 टीम लिखा तो दिया था 30 टीम, लेकिन हम लोग लग रहे थे 15-17 टीम ही शायद आ पाएगी, लेकिन जैसा जैसा समय बीता अब 30 टीमों ने भाग लिया और 30 टीम से एक टीम किसी कारणवश आ नहीं पाई और 29 टीम जो है आज इस मंच में 29 पूरा 30 टीमों ने आज भाग लिया और आपके बीच आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम को सफल करने में समिति का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोगों ने सोचा था कि जैसा ही कोई भी संस्था का रजिस्ट्रेशन होता है 3 साल के बाद सरकार की तरफ से एड मिलता है और हम लोग 4 साल हो गया समिति का रजिस्ट्रेशन हो गया और हम लोग प्रयास में थे, आज मौका मिला और हम लोगों ने ये करके जिन लोगों ने ये बोला था उस लोगों के मुंह में उसके काम तक पहुंचाने का काम हम लोग किए हैं। इससे एक फायदा होगा हमको समाज के लिए कि आने वाला दिन में, आने वाले समय में, चाहे वो सरुण हो चाहे वो कर्मा हो, हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई लोगों से चंदा मांगते हैं, दर दर भटकते हैं, कम बेसी होता तो हम देते हैं लेकिन कब तक हम देंगे और कब तक हम लोग चंदा करेंगे, ये हम लोगों को सोच था। आने वाला दिन, आने वाला पीढ़ी को हम लोग ऐसा बना के जाएंगे कि सरकार हम इस कार्यक्रम को पूरा सरकार के पैसों से, सरकार का सहयोग से ये कार्यक्रम होगा, ये प्रयास हम लोग का था और आज हम लोग सक्सेसफुल हुए हैं। एक तो ये विषय है, एक दिन में कार्यक्रम हुआ है और हमको लगता है कि बहुत यश व्यस्त हुआ है, जितना हम लोग उम्मीद नहीं किए थे उतना हम लोग कर नहीं पाए, किसी को बैठने का जगह भी नहीं दे पाए, किसी को गर्मी के चलते, एक तो बारिश हम लोग को डिस्टर्ब किया, जब बारिश खत्म हुआ तो गर्मी हम लोग को डिस्टर्ब किया, तो हम लोग बहुत टेंशन में कार्यक्रम को किए हैं। हमारा समिति के सचिव अगर जाने जाने में गलती हुई है तो माफी आप लोगों को मांगा, आप लोगों से माफी मांगा है और आप लोगों को माफ कर देना चाहिए क्योंकि समय के अभाव में ये कार्यक्रम हुआ है। एक तो यह विषय है, दूसरा यह विषय है कि धीरे धीरे हम अपने संस्कृति को भुला रहे हैं। जैसे हम लोग आज नाच हम लोग देखे हैं, नाच तो अच्छा ही हुआ लेकिन जो जोश दिखना चाहिए, जो लगन दिखना चाहिए वो जोश और लगन हमको लगता है कमी दिख रही थी, क्योंकि आज भी ऐसा क्या गांव में बहुत सा हमारा समाज के गांव में ना कोई मादल बजाने जानता है, ना कोई गीत गाने जानता है, ना आज के बच्ची लोग नाचने जानती है। अगर डीजे चालू कर दिया जाए तो जैसा मंच बना दीजिए, जितना बड़ा मंच बना दीजिए वो मंच को तोड़ देगा, तो कहीं ना कहीं हम पढ़े लिखे बड़े तो जरूर हो गए हैं लेकिन समाज को हम पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं।
इस बात को हमें समाज के लोगों को समझना होगा। इसका पीछे, इस राजकरण के पीछे यही उद्देश्य था। कुछ लोग तो उराव का नाच को सोचता है कि बड़ी स्लो नाच है, धीरे नाचता है तो लगता है लोग अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही नाच, इस नाच के बिना कर्म अधूरा है और न कर्म खुश होगा। इसके बिना कर्मा का पर्व हो ही नहीं सकता मानव का। तो ये जो आने वाला पीढ़ी को एक संदेश हम लोग देना चाह रहे थे इस मंच के माध्यम से, इसीलिए इस कार्यक्रम को जैसे तैसे करके हम लोग अब किए हैं। आने वाला दिन में हम लोग इतना बड़ा कार्यक्रम हम लोग किया, लेकिन इस कार्यक्रम में पूरे कोल्हान में पोस्टर बैनर हम लोग पूरा साड़ देते, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कोल्हान में किस किस क्षेत्र में हमारे समाज के लोग हैं, और उस समाज तक बात को पहुंचाने के लिए हमें ना पोस्टर को जरूरत पड़ेगा और ना बैनर का जरूरत पड़ेगा। मोबाइल का जमाना है तो उसका हम लोग मोबाइल का पूरा फायदा उठाए, फोन के माध्यम से सभी लोगों तक हम लोग पहुंचाने का काम किए हैं। ये हमारा उद्देश्य था और हम चाहेंगे कि समाज के सभी लोगों से, चाहे वो सरकार खसवा जिला से हो, चाहे वो पूर्वी सिंहभूम जिला से हो, एक वर्तमान सरकार एक परंपरा चालू कर दिया कि कोल्हान अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस में सरकार की तरफ से फंड मुहैया कराना, कर्मा पर्व में कर्मा उत्सव के नाम से फंड मुहैया कराना, इसके बाद सरकार किसी के भी आई इस त्यौहार में हमारे समाज को सहयोग सरकार को करना मजबूरी हो जाएगा। इसको अगले साल हम लोग विस्तार ढंग से हम लोग करेंगे। अगले बार एक महीना पहले से हम लोग तैयारी करेंगे और इसको हम लोग बढ़िया से करेंगे, सिस्टम से करेंगे। थोड़ा सिस्टम हम लोगों का फेल था समय के अभाव पर और सिस्टम फेल था, लेकिन अगले बार हम लोग सिस्टम को दुरुस्त करेंगे और कर्मा हमें कर्मदंडी नहीं बना, कर्मा खत्म होने के बाद कर्मदंडी पड़ना वाला पड़ना होना पड़ना मल पड़ना, लेकिन हमें कर्मा खत्म होने करा उसके बाद ये कार्यक्रम गिरी, तो हमें मजबूरी भी रहता कि कर्मदंडी पड़ना, लेकिन नियम तो ये कि कर्मा खत्म के बाद कर्मदंडी मल पड़ती, बाकी डंडी चल रही है लेकिन कर्मदंडी मल पड़ना चाहिए। नमय कर्मदंडी में मतलब अस्थाई को नमय कर्मदंडी नमय नेक नियम एक चीज को नेक नियम चीजें जब नेक नियम खत्म हो निकाली उसके बाद आदमी पढ़ना मल चाहिए, यही तो इंगल लगी यही सच को, लेकिन पढ़ना पढ़ू वाला तो अगले बार हम सोचा दम कि कर्मा के पहले पूर्व संध्या कार्यक्रम बनो तो अय्याम नंदा विचार होना था अन्य नजर मानो ना कि मान को प्राइज हकदार मानो, कम से कम आप प्राइज पकड़ने के बाद कर्मा बहुत धूमधाम से कम फर्स्ट सेकंड थर्ड जो करो अपने पकड़ मानो। और यही कहते कंपटीशन ही को अब चंद्रपुर में ये कार्यक्रम मना लगी, हो सके कि ये प्राइज बाहरी चले गए लोग, हो सके ये प्राइज चंद्रपुर रहो इतने बापन लोग जजमेंट कर अभी पढ़ने के बाद में पता चल रहा, लेकिन अगर देखा प्राइज मलक करा लगी तो आप नहीं मतलब तकलीफ दुख हम के समझ के, क्योंकि जजर जो रनर तगाई तमय तमय जो जजमेंटन नमें सर्वोपरि को नमन मानना पड़ा हो, तो जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड बनर बाकी जो टीम रही अंदर खुशी के अंदर इंदर खुशी में बचकर अदर अंदर खुशी में कैसे चले काल के ठीक रही। तो एम सोच कर दम नमय समिति सोच करी कि सभी टीम तीसों टीम जो संतुलन पुरस्कार वाला सभी टीमों को हम लोग संतुलन पुरस्कार एम पांच पांच हजार रूपये साबरण से सभी टीमों ने, लेकिन एम रिजल्ट जब एम रिजल्ट भी कर रहा हूं लेकिन सभी टीम एम थी पांच पांच हजार रूपये। उसके बाद एम ग्रुप को फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं मानो
संतरा पुरस्कार तो आदि बानर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बर्नर उसके बाद की टीम जो क्वालिफाई बने नहीं अन्य टीम वाली संतरा पुरस्कार चिन्ह दी लेकिन सभी टीम मान चिव उसके बाद अंतिम निमन देंगे कि थर्ड नहीं को फर्स्ट नहीं को सेकंड नहीं को थर्ड नहीं को एम देंगे और जब प्राइज की जो टीम हकदार बनो अब नीम जो 5000 उच्चकार दर सभी आ रहा और मजीद दीदी फर्स्ट सेकंड थर्ड बनो तो जब आप मजीद फर्स्ट सेकंड थर्ड बनो तो आई एम थी 5000 प्राइज का जो हकदार बनो अपना चंद्रा पुरस्कार मल जीत रही जो कंपटीशन से बाहर मन गाना तो अबड़ा चित्री कंतुना पुरस्कार नियम इधि को तो प्राइज अखदार बंदर प्रथम जो पुरस्कार को 1,00,000 रुपया नहीं 1,00,000 दूसरा पुरस्कार निमन अखदार दिन साबर 50,000 और तीसरा पुरस्कार 25,000 रुपया नहीं अपने का 1,00,000 करो और ने का 5,000 करो एक तो पापन लोग जो अपन नाम जजमेंट करना तो ये मंच चादर की खाली अन्ना रही क्योंकि फोटो से अन्ना रही और नाम जो बैनर को इस समिति की जो बैनर को इस मंच के जो बैनर को तो आप बैनर हृदय में ना फोटो करना रही नाम कम से कम इधर इधर के सरकार के सहयोगी को और जो इन्ना जो खर्चा मंच की रही इधर का पूरा डिटेल जिला प्रशासन रही बाद में जब पैसा हमारा भरो तो ना अपना दिन डिटेल चिन्ह दी कि टोटल इस कार्यक्रम में इंदा खर्चा नहीं कम जो पैसा भरो और पैसा थी इधर पड़ा लोग इंदा खर्चा नहीं का दर और असल पैसा अगर बच रो तो सरकार ने वापस ना पड़े पड़ा नहीं सरकार के पैसा के नियम यही मंच नाम खाली ना नोट और कुर्सी भी वाकुरु मशीन ना मट्टो जो भी नमें अतिथि के रनर अपना ना से ना मुक्तो अगर जो जजमेंट मंजा करा तो निमित्र बरा और कुछ मजीद होगा और साफ अतिथि मजीद होता जो भी नाम ना इस कार्यक्रम अतिथि का बच कर अलग चाहे जमशेदपुर थी चाहे सरकल खसवन थी चाहे चाबाजन थी चाहे नाम चंद्रपुर थी साफ अतिथि ने निवेदन दी कि मंच जो बीचू मंच को ना खड़ा नाम असन कुर्सी न करो। Thank you.